नमस्कार जयराम जी की भैया रो बुंदेली तर्पण देख रहे आप। खबर आपके नौगांव से बता रहे जिते बुंदेलखंड को ऐतिहासिक छाछठवो मेला लगू और ई मेला महोत्सव में बीती रात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को आयोजन करो गो जी में देश की जानी मानी कवित्री अनामिका जैन अंबर शामिल भई और इके अलावा तमाम दिग्गज कवि ई मंच पे आए और अपने रस की कवितान के मंद मंद हवा के झोंकन के संगे तालियन की गड़गड़ाहट और हंसी की ठहाकन के बीच में नौगांव शहर के लोगन ने देर रात तक कवियन के हास्य बाण को जम के लुत्फ उठाओ। पारंपरिक तरीका से कार्यक्रम की शुरुआत होवे के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के पिछले 5 सालन के कार्यकाल की पुस्तक को विमोचन भी कवियन और पत्रकारन के द्वारा कराओ गओ। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष अभिलाषा चौहरे और नगरपालिका सीएमओ बसंत चतुर्वेदी के द्वारा सभी पत्रकार भाइयन और कवियन को सम्मान मेला मंच से करो गओ। और मैंने भी पूरा प्रयास किया है कि मैं इस नगर क्रम की जिस तरह सेवा कर सकती हूँ उस तरह मैंने सेवा करी है और आगे भी मैं आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। आगे भी मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी व्यक्ति नगर की जनता जो भी मैं मेरा जिसने सहयोग दिया है उन सभी का इस मंच के माध्यम से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो पूजा जैसा मन भी हम अपने अंदर रखते हैं तो मेरा मन है कि आप सब मुझे केवल 2 मिनट दें, मैं माँ शारदे का आवाहन करूं, उनको यहाँ पर बुलाऊं, उनकी स्थापना करूं। ये वही है, यही है ना? ठीक है, मैं समझ गई ना, बैठे बैठे रहना। ये वही वाले मामा है जिनके बिना गुफाएं सुनी मांग लिया। नौगांव वालों बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मन रख दिया, बिल्कुल नया प्रयोग था जो मैंने किया। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ। गीत में बीड़ा बंसी झांझ मृदंग मृदु सात स्वरों की जन्नत पाई है, पाई है जन्नत पाई है, जन्नत पाई है, पाई है जन्नत पाई है। बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद। खुशी ये चातरफा छाई है, जन्नत पाई है, पाई है जन्नत पाई है। अब आकर के हमने पूरी जन्नत पाई है। हटा के 370 धारा एक कर दिया भारत सारा, नहीं चलेगी अब मनमानी। गुंडे मांग गए सब पानी, गुंडे मांग गए। अनुका जी नौगांव की धरा पर आई हैं, क्या करना चाहेंगी आप, कैसा लग रहा है, इससे पहले क्या कभी आई हैं या पहली बार आई हैं यहाँ पर? देखिए जैसे कि मैं बुंदेलखंड से ही हूँ तो मेरे शुरुआती दौर में मैं नौगांव भी और नौगांव के आसपास छतरपुर बमीठा और भी बहुत सारी जगह हैं, खजुराहो पन्ना कई बार आई हूँ। नौगांव जहाँ तक मुझे याद है तीसरी बार आना हो रहा है, 2 बार जल्दी जल्दी आई हूँ, तीसरी बार थोड़े लंबे गैप में आई हूँ, तो पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पे आके तो और अच्छा लगता है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से? पंक्तियाँ तो अब यहाँ हूँ तो यही कहूँगी कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। तो